हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 209। काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्ज्वल शुद्ध जैनो दग्ध है। गोपियों का प्रेम काम वासना से रहित उज्ज्वल सुंदर निर्दोष गंधहीन और मलहीन था। तो आजकल के लोगों को जो लगता है कि गोपियाँ कृष्ण वैसे ही थे जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। गोपियों और कृष्ण का शरीर दिव्य था, उनका प्रेम दिव्य था, उसमें लेश मात्र मात्र भी काम वासना का कहीं प्रवेश नहीं था। ठीक है, तो ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिया गोपिका होये न प्रिया शिष्या सखी दासी। तो गोपियां भगवान कृष्ण की सहायक गुरु मित्र पत्नी प्रिया शिष्या सखी तथा दासी हैं। ये सारे भाव थे गोपियों के अंदर। गोपियों का प्रेम यानी माधुर्य रस। तो माधुर्य रस में नीचे के जितने रस होते हैं अर्थात वात्सल्य सख्य दास्य ये सारे रसों का समावेश होता है। इसलिए गोपियाँ हर रस में भगवान की सेवा पूजा करती हैं। तो यहाँ जितने नाम बताए गए हैं सख्य मित्र गुरु पत्नी शिष्या सखी दासी ये सब थी गोपियाँ। सहाया गुरुवः शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिय सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्या किम मे भवन्ति न। हे पार्थ, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, गोपियाँ मेरी सहायक गुरु शिष्या सेविका मित्र तथा प्रेयसी हैं। मैं नहीं जानता कि वे मेरे लिए क्या नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं क्या नहीं है, सब कुछ है। गोपियाँ मेरे लिए सब कुछ है। हम भगवान के बारे में सोचते हैं कि हम कहें भगवान को कि भगवान आप हमारे लिए सब कुछ हैं या मैं आपके लिए सर्वस्व समर्पित हूँ, पर ऐसा सत्य नहीं है। इसीलिए हम बोल भी नहीं पाते हैं भगवान को कि हे भगवान मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। हालांकि भगवान ने कहा है भगवद गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सबको छोड़ दो, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। परंतु हम इस प्रकार से सरेंडर नहीं कर पाते हैं। लेकिन गोपियां थीं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा क्या है जो गोपियां नहीं कर रही थीं। गोपियां सब कुछ मेरे लिए कर रही थीं या करती हैं, सब कुछ हर भाव में। गोपिका जाने न कृष्णेर मौने रवांछिता प्रेम सेवा पूरी पाटी इष्ट समीहिता। गोपियां कृष्ण की इच्छाओं को जानती हैं और वे ये भी जानती हैं कि उनके सुख के लिए किस प्रकार पूर्ण प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। वे अपने प्रियतम की तुष्टि के लिए उनकी दक्षता पूर्वक सेवा करती हैं। तो जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके हर टेस्ट को जानते हैं, वो क्या पसंद करता है क्या पसंद नहीं करता है, ज़रूरत को जानते हैं, अभी उनकी क्या आवश्यकता है, अभी उनको आराम करना है या अभी उनको प्रसाद लेना है या अभी उनको सोना है या खेलना है कूदना है घूमना है फिरना, हर चीज़ आप जानते हैं। इसी तरह गोपियाँ भगवान कृष्ण के हर ज़रूरत को जानती थीं, उनके हर इच्छाओं को जानती थी कि कैसे अभी अभी क्या चीज़ की इच्छा है। तो इसलिए बहुत दक्षता पूर्वक कार्य करती थी, बहुत इंटेलिजेंटली स्किलफुली अच्छे से सेवा करती करती हैं गोपियाँ। मन माहात्म्यम मत्सपर्याम मत इच्छा मत श्रद्धाम मत मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ न अन्ये जानन्ति तत्वतः। हे पार्थ, गोपियाँ मेरी सहायता मेरी प्रेमा भक्ति मेरे सम्मान तथा मेरी मनोभावना को जानती हैं। वस्तुतः अन्य
कोई इन्हें नहीं जान सकता। ये आदि पुराण से आया है ये श्लोक, जिसे अर्जुन ने कहा था। तो अलग अलग स्थानों पर कहे गए हैं ये श्लोक, जैसे ये पिछले क्लास में जो बताया था वो भागवतम का था, जिसमें कि चार प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहिए भक्त को। अब यहाँ इतने सुंदर सुंदर श्लोक आ रहे हैं। इसके पहले का श्लोक आया है गोपी प्रेमाकृत, और ये श्लोक आया है आदि पुराण से। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, हे पार्थ, अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, गोपियाँ मेरी महानता, मेरी प्रेमा भक्ति, मेरे सम्मान और मेरी मनोभावना को जानती हैं और कोई नहीं जानता। तो गोपियाँ क्यों जानती हैं? जब आप भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे तो भगवान भी आपको हर ज्ञान देंगे। देखिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चाह रहे थे कि हम भगवान को समर्पित हो जाएं, परंतु बहुत सारी अड़चनें आ रही थीं। जैसे राजा था ना, जो दोनों दोनों भाई जिसके यहाँ सेवा करते थे, नवाब हुसैन शाह, तो दोनों भाई रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उस नवाब के राज्य में बड़े बड़े मंत्री पदों पर थे। दिल में इच्छा होती थी कब भाग करके महाप्रभु के पास चले जाएं, सब त्याग दें और मुसलमान के यहाँ सेवा करना, या मुसलमान के दरबार में मुसलमान की तरह वेशभूषा बना के रहना। ये सब अच्छा नहीं लग रहा था उन लोगों को। हृदय में इच्छा थी, बाहर से बहुत मुश्किल हो रहा था कर पाना ये चीज़, लेकिन हृदय में इच्छा होने के कारण महाप्रभु ने इंतजाम कर दिया और दोनों भाई पहुंच गए वृंदावन। अब देखिए, बात यह है समझने वाली कि हम अगर हृदय से चाहते हैं भगवान की सेवा करना तो भगवान इंतजाम कर देंगे। यदि हम हृदय से नहीं चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा चाहते हैं, 50-50, 30-70, तो इंतजाम नहीं करेंगे भगवान। सिर्फ भगवान ने इंतजाम नहीं किया उनके जाने का, दोनों भाइयों को भगवान ने ज्ञान दिया, खुद स्वयं बैठकर, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, दोनों भाइयों को ज्ञान दिया, और इतना ज्यादा ज्ञान दिया। जैसे सनातन गोस्वामी को एक बार 10 दिन दिया और एक बार 2 महीने दिए, और रूप गोस्वामी को एक बार पूरा 2 महीने का ज्ञान दिया लगातार काशी में, मुझे लगता है, और सनातन गोस्वामी को 10 दिन काशी में दिया था और फिर जगन्नाथपुरी में दिया था। तो ऐसा देखिए, हो सकता है जगह ठीक से नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऐसे ही ज्ञान दिया था। तो जो ज्ञान दिया वो कौन सा ज्ञान था? जो भगवान कॉन्फिडेंशियल होता है, गुह्य ज्ञान, जो भगवान सिर्फ उनको देते हैं जिनको भगवान अपना मानते हैं। जितनी भी सेवाएं की दोनों भाइयों ने वृंदावन में, वो भगवान के शक्ति के कारण, भगवान ने जो शक्ति आवेशित किया उनके अंदर, उसी के कारण वो लोग कर पाए। तो शक्ति भगवान आवेशित किसको करेंगे? जो समर्पित होगा। तो गोपियां भगवान को कैसे जानती हैं? क्योंकि भगवान ने उनको जनाया, भगवान ने अपने बारे में सब कुछ उनको बताया। मुंह से बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक जस्ट इच्छा करेंगे भगवान और आप जान जाएंगे। तो गोपियां भगवान के बारे में जैसे जानती थीं, वैसे हम भी जान सकते हैं। केवल हमें क्या करना होगा? समर्पित होना होगा पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से समर्पित होने के बाद भगवान को आप जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते। ऐसे ही गोपीगण मध्य उत्तमा राधिका, भगवान कह रहे हैं उन गोपियों में सबसे जो उत्तम है वो है राधिका। रूपे गुणे सौभाग्य प्रेम सर्वाधिका, रूप गुण और प्रेम हर चीज में सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर राधा रानी, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक योग्य, और कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेयसी। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवेका विष्णो अत्यंत वल्लभा। ये पद्म पुराण से लिया गया है। जिस प्रकार राधा कृष्ण को प्रिय है,
उसी तरह उनका स्थल राधा कुंड भी उन्हें प्रिय है। अकेले वे ही समस्त गोपियों में उनकी सबसे अधिक प्रिया है। ये पद्म पुराण से लिया गया है। कहते हैं लोग कि पद्म पुराण में या किसी पुराण में चर्चा नहीं है, पुराणों में चर्चा है, वेदों में चर्चा नहीं है भगवान के बारे में। कृष्ण नाम का वर्णन वेद में नहीं आया, पुराण में आया है। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि जैसे राधा रानी कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है, वैसे राधा रानी के नाम का जो कुंड है राधा कुंड, वो भी कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा राधाभिधा मम। ये भी आदि पुराण से लिया गया है ये श्लोक। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी। तीनों लोकों में पृथ्वी धन्य है क्योंकि वहां पे वृंदावन है। भगवान जब आए यहाँ तो इस लोक में कितने सारे ग्रह हैं, एक तो नहीं है। आप सिर उठा के देखिए रात को, आपको इतने ज्यादा दिखाई देंगे कि गिन नहीं सकते हैं। परंतु भगवान कहाँ आए? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी धन्य है। और भगवान पृथ्वी पर क्यों आए? क्योंकि वृंदावन पृथ्वी पर आया। भगवान ने ही चुना कि हमको पृथ्वी पर जाना है, हमको वृंदावन जाना है। और वहां पे वृंदावन में गोपियां विशेष रूप से महिमा मंडित हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी उनमें से एक हैं। तो पहले तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पृथ्वी, फिर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वृंदावन, और फिर वृंदावन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राधा रानी। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारणा आर सब गोपीगण रसोपकरण। अन्य सारी गोपियां राधा रानी के साथ कृष्ण की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने वाली हैं। गोपियां उनके पारस्परिक सुख में उपकरण का कार्य करती हैं। राधा रानी सीधे प्रेम करती हैं कृष्ण से, बाकी गोपियां जो हैं वो क्या करती हैं? राधा रानी को सहायता देती हैं, उनकी सहायक बनती हैं। रस उपकरण, उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करती हैं। प्रभुपाद यहाँ थोड़ा सा पटपोट लिखा है। कहा जाता है कि गोपियों के पांच समूह होते हैं। गोपियां जो होती हैं पांच डिफरेंट डिफरेंट टाइप, एक टाइप की गोपियां एक ग्रुप में रहती हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं। सखियां, नित्य सखियां, प्राण सखियां, प्रिय सखियां, परम पृष्ठ सखियां। तो पांच प्रकार देखा, एक सखियां, नित्य सखियां, प्राण सखियां, प्रिय सखियां, परम प्रिय सखियां, परम पृष्ठ सखियां। ये वृंदावन धाम की महारानी श्रीमती राधा रानी की गौरव वर्णा सखियां कृष्ण के काम भावों को दीप्त करने में परम निपुण है। परम पृष्ठ सखियां आठ हैं और राधा कृष्ण के आनंद व्यापारों में वे कभी कृष्ण का पक्ष लेती हैं तो कभी राधा रानी का। इससे रस विनिमय अधिकतर रुचिकर बन जाता है। तो ये अष्ट सखियों के बारे में बोल रहे हैं। तो पांच सखियों का पांच समूह है। कुछ सीधे नजदीक में रहती हैं राधा रानी के, थोड़ा कोई कोई दूसरी सेवा करती हैं, एक्सटेंशन होता है ना वैसे एक्सटेंशन, कुछ नजदीक कुछ थोड़ा दूर कुछ उससे थोड़ा दूर, ऐसे या तो सेवा के हिसाब से। आठ सखियां जो हैं भगवान की, कृष्ण की, कृष्ण ही राधा रानी की, एक्चुअली कह सकते हैं राधा रानी की सखियां हैं, ग्रुप है आठ सखियों का, अष्ट सखी जिन्हें कहते हैं। तो वो अष्ट सखियों में हर सखी की अलग अलग सेवा है। किसी की सेवा है फूलों की, किसी की सेवा है तांबुल की, किसी की इत्र की, कोई म्यूजिक बजाती हैं, ऐसे अलग अलग सेवा है। तो उस सेवा को करने के लिए भी उनके पास बड़ा सा टीम होता है। यहाँ नजदीक में एक सखी रहेंगी पर उनके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, हर सखी का ग्रुप होता है। तो सखियाँ जो थी, गोपियाँ जो थी, वो अनगिनत थी। राधा कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राण धन तहां बिनु सुख हेतु नहे गोपीगण। राधा कृष्ण की प्राण प्रिया हैं और उनके जीवन की संपत्ति हैं। उनके बिना गोपियां कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती।
राधा के बिना। राधा प्राण प्रिया है और उनके जीवन की संपत्ति है, तो राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे आ रहा है, कंसारी कंसारी रपी संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय हृदय तत्याज व्रज सुंदरी। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण, कंसारी कंसारी रपी, कंस के अरी, अरी यानी शत्रु, शत्रु कंसारी, कंसारी हो गए कृष्ण। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य सारी गोपियों को एक ओर छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि वे भगवान की इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायिका थी। ये गीत गोविंद से लिया गया है श्लोक। जय जयदेव गोस्वामी बहुत बड़े भक्त हैं थे, उन्होंने लिखा गीत गोविंद। तो गीत गोविंद में बताया गया है कि राधा रानी के साथ भगवान थे और बाकी गोपियां छोड़ दिए भगवान उनको, थोड़ी दूर दूर में बाकी गोपियां रह गई, क्योंकि राधा रानी भगवान की सहायिका असिस्टेंट थी। सेई राधार भाव लोइया चैतन्य अवतार युग धर्म नाम प्रेम कोयलो पर चार। तो चैतन्य महाप्रभु वही राधा भाव लेकर प्रकट हुए। उन्होंने इस युग के धर्म भगवान भगवान नाम कीर्तन और शुद्ध ईश प्रेम का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए, भगवान के नाम का प्रचार किया, और जिसको युग धर्म भी कहते हैं, युग धर्म, भगवान नाम का प्रचार करने के लिए महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए, कीर्तन किया, शुद्ध कृष्ण प्रेम का प्रचार किया। सेई भावे निज वांछा कोरिलो पूरना अवतारेर एई वांछा मूल कारण। तो अभी तक जो बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि अवतार का मूल कारण क्या था, चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मूल कारण क्या था। तो अवतार का मूल कारण था श्रीमती राधा रानी के भाव में, उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की, यही उनके अवतार का मूल कारण था। राधा रानी के भाव में आए, और इसके पहले बहुत चर्चा हो गई है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के हृदय में जो चल रहा है उसको चखना चाह रहे थे, और भगवान स्वयं क्यों सुंदर लगते हैं, क्यों आकर्षक लगते हैं, राधा रानी को क्या खुशी मिलती है जब भगवान को देखती हैं या महसूस क्या करती हैं, ये सब जानने के लिए भगवान को और राधा रानी का भाव लेना पड़ा। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। श्री कृष्ण चैतन्य रसों के अवतार ब्रजेंद्र कुमार हैं, वे साक्षात श्रृंगार हैं। ब्रजेंद्र कुमार यानी कृष्ण, तो कृष्ण भगवान हैं स्वयं और श्रृंगार हैं। श्रृंगार बहुत सुंदर थे, चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर थे। सेई रस आस्वादिते कोयलो अवतार आनुषंगे कोयलो सब रसे रचार। तो उसी माधुर्य रस का स्वाद लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। तो भगवान अवतरित हुए ताकि प्रचार कर सकें, भगवान के नाम का विस्तार कर सकें और रस का आस्वादन भी कर सकें। विश्वे विश्वे सा मनुरंजय रंजनेन जय जनयन आनंद भिंदीवर श्रेणी श्यामल कोमलय रूप नयन अंगैन अंग उत्सवम स्वच्छंदम ब्रज सुंदरी भीर भितः प्रत्यंग माली मालिंगितः श्रृंगारः सखी मूर्तिमानिव मुधौ मुग्धौ हरि क्रीडित क्रीडति। हे सखियों, देखो ना किस तरह श्री कृष्ण वसंत ऋतु का आनंद लूट रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग का आलिंगन गोपियों द्वारा हो रहा है, जिससे वे साक्षात श्रृंगार प्रतीत होते हैं। ये श्लोक है गीत गोविंद का। वे अपनी दिव्य लीलाओं से समस्त गोपियों एवं सारे सृष्टि को प्रमुदित करते हैं। अपने मुलायम श्याम वर्ण एवं नील कमल जैसी भुजाओं एवं पैरों से उन्होंने कामदेव के लिए उत्सव की सृष्टि कर ली है। तो यह है बड़ा रस वाला गीत।
गीत गोविंद लिखा है उन्होंने, तो इसके ऊपर कोई परपोट नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रसदना अशेष विशेष कोइलो रस आस्वादन। चैतन्य महाप्रभु स्वयं रस के धाम है, उन्होंने रस की माधुरता का आस्वादन अनंत विधियों से किया। सेई द्वारे प्रवर्ताइलो कलियुग धर्म चैतन्य दास से जाने ए सब। इस तरह उन्होंने कलयुग के लिए धर्म का प्रवर्तन किया है। चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त इन सारे सत्यों को जानते हैं। कलयुग में महाप्रभु आए धर्म प्रवर्तन करने के लिए, और प्रचार करने के लिए अत्यंत आकर्षक ढंग से उन्होंने प्रचार किया, और सुख भोगने के लिए, राधा रानी वाला सुख अनुभव करने के लिए। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास आर जो तो चैतन्य कृष्ण र भक्तगण भक्ति भावे श्रीधरी सवार चरण। ये सारे भगवान के भक्त थे, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु श्रीनिवास ठाकुर गदाधर पंडित दामोदर मुरारी हरिदास। तो चैतन्य महाप्रभु इन सब को, सबके सिर पर अपने चरण कमल को रखा उन्होंने, और ये जो राइटर हैं ये कह रहे हैं कि मैं इन सब को उन सब के चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूँ। ये राइटर कह रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। इतने सारे बड़े बड़े महान भक्त, चैतन्य चरितामृत के लेखक हमें शिक्षा देते हैं कि यदि हम श्री चैतन्य के को सचमुच जानना चाहते हैं तो हमें उनके शुद्ध विश्वस्त भक्तों को सादर नमस्कार करना चाहिए। तो मैंने छठे श्लोक का संकेत लिख दिया है, अब मैं मूल श्लोक का अर्थ उद्घाटित कर रहा हूँ, कृपया सुने। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बहुत डीप मीनिंग है इसका, बहुत अच्छा मीनिंग है। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वान यैवास्य स्वाद्यो येन अद्भुतम मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यान चास्या मद अनुभवत कीदृशं वेत्ति लोभा लोभात उद्भावाढ़ समजनी सची गर्भ सिद्धो हरिंदु। बहुत डिफिकल्ट श्लोक है। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से भगवान हरि, जिनके अद्भुत गुणों का आस्वादन राधा अपने प्रेम से करती हैं और इस प्रेम की मधुरता की अनुभूति करके परम सुख का अनुभव करती हैं, श्रीमती सची देवी के गर्भ से उसी तरह प्रकट होते हैं जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। भगवान किसी को भी माता और पिता बनाते हैं तो उसके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को जन्म लेने के लिए एक माता की आवश्यकता है। जैसे यहाँ लिखा है उदाहरण, कि ऐसा लगता है कि चंद्रमा समुद्र से जन्म ले रहा है, समुद्र से निकल रहा है, पर वास्तव में चंद्रमा क्या समुद्र से निकलता है? नहीं, पर देख के लगता है ऐसा कि चंद्रमा समुद्र से प्रकट हो रहा है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु सची माता को अपनी माता बनाए, तो चंद्रमा जैसे प्रकट हुआ वैसे ही चैतन्य महाप्रभु माता के गर्भ से प्रकट हुए। तो अब मैं यहाँ पर रोक दूंगी क्योंकि काफी समय हो गया, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। हरि बोल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।